अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उसामा हाफिज। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टिकटॉक शॉप जो बहुत सारी सस्पेंड की गई हैं, चाहे यूके में हो चाहे यूएसए में हो, यूके वाले जितने भी टिकटॉक शॉप थे 90% कोई लास्ट 2 वीक्स में सारे के सारे बंद कर दिए गए हैं। कोई रीजन, कोई खास रीजन बताई नहीं गई। अब मैं आपको बताता हूँ ये बंद क्यों किए गए हैं। हमारे जितने भी पाकिस्तानी दोस्त हैं, एक एक बंदे के 5 अकाउंट बंद हो गए, दूसरे का फोन आ गया, यार मेरे 2 अकाउंट उड़ गए, तीसरे का फोन आया, भाई मेरा भी उड़ गया। तो एक ही दिन में, एक ही रात में तकरीबन मल्टीपल अकाउंट जो है वो टिकटॉक ने उड़ा दिए। अब उसकी रीजन क्या बनी, उनको रिकवर कैसे करना है, कौन कौन से वाला रिकवर होगा, कौन से वाला कभी भी रिकवर नहीं होगा, कौन से वाला आप रिकवर कर सकते हो, तो आज इस वीडियो में इस बात पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। मैं सारा आपको सिनेरियो बताऊंगा। आपको पता है जिन लोगों ने यूके में अकाउंट्स बनाए हैं टिकटॉक वाले, मेरे टिकटॉक शॉप पे पहले ही वीडियो आई है और इसमें मैं आपको सारे अंदर की राज बताऊंगा। अगर आपने टिकटॉक पे अकाउंट बनाया है, आपने कोई एलटीडी कंपनी रजिस्टर्ड कर ली और उसके बाद जो है आपने उसका जो कंपनी नंबर होता है वो दे के अपना अकाउंट बनाया, तो भाई आपका अकाउंट रिकवर नहीं होगा। आप एक बार अपील करोगे, उसके बाद आपको लगेगा कि आपका अकाउंट खुल गया, दोबारा फिर से सस्पेंड कर दिया जाएगा और इस तरह का नोटिफिकेशन आपको शो होता है। अगली पिक्चर पे चलते हैं। ये देखो, इस बंदे ने मल्टीपल टाइम सबमिट किया लेकिन 3 बार इसका अकाउंट सस्पेंड किया, तीनों बार ओपन किया है। आगे चलते हैं, मैं आपको एक और पिक्चर दिखाता हूँ। यहाँ पर भी आप देख सकते हो वो कह रहा है कि फ्रॉडलैंड एक्टिविटी में बंद किया गया। जितने भी लोगों ने अकाउंट्स बनाए हैं सबने यूके में $15-20 की कंपनी रजिस्टर्ड की, जो कि एक लीगल वे था, लेकिन उसके बाद उन्होंने मोबाइल से जो है वो वीपीएन कनेक्ट करके पता नहीं क्या, वो एक जो क्यूआर कोड होता है उसको स्कैन करते हैं और जो है टिकटॉक सेलर सेंट्रल अकाउंट बन जाता है। भाई उस तरह से आपने बना लिया, जिन लोगों ने जितना पैसा बनाना था टिकटॉक से बना लिया, अब मजीद इस तरीके से नहीं बना सकते आप। आपके हाथ में पासपोर्ट हो या आईडी कार्ड हो, आप ऐसे वेयर हाउस के सामने खड़े हो जो कि यूके में रजिस्टर्ड हो, आप उसकी पिक्चर अपलोड कर दो, आपके टिकटॉक सेलर सेंटर खुल जाएगा। अगर आप यूके रजिस्टर्ड रेजिडेंस हो, रेजिडेंसी जो भी सिटीजन हो, तो आपका अकाउंट खुल जाएगा, अदरवाइज नहीं खुलेगा। आप एक बार ओपन करवाओगे दोबारा फिर से क्लोज हो जाएगा। ये आप यहाँ पर देख लो, वो लोग जो पैसे बर्बाद कर रहे हैं टिकटॉक सेलर सेंट्रल खुलवाने पे, ये मेरे पास एक नोटिफिकेशन है। देखो, क्रिटिकल वायलेशन लगी इस बंदे को, इसका अकाउंट पहले बंद कर दिया गया, फिर खोल दिया गया, फिर बंद कर दिया गया, फिर खोल दिया गया। तो मल्टीपल टाइम आपके साथ भी ये वाला सिनेरियो होगा, $200-$300 दे के आप अकाउंट्स अपने ओपन करवा रहे हो लेकिन वो बंद कर दिए जाएंगे दोबारा फिर से। तो बेहतर यही है, एक तो मैं आपको बताऊं ये बंद क्यों किए गए हैं। अब यहाँ पर मैंने एक मैसेज जो है वो मुझे बड़ा अच्छा मिला है, मैंने फेसबुक से उठाया है। Many sellers are receiving the violation on a TikTok shop due to being aware of policies. किसी बंदे को policies का नहीं पता। मेरी बात गौर से सुनना, मैं आपको आज रिकवरी का भी तरीका बताऊंगा, रिकवर कैसे किया जाता है, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको TikTok अकाउंट जो सस्पेंड हुआ है ना, आप चांस ले सकते हो, मैं ओपन करने का तरीका बताऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह से इस चीज में मैं एक्सपर्ट हूँ, ठीक है। दैट्स वाई द अकाउंट हैज बीन सस्पेंडेड। आपको वायलेशन का आइडिया नहीं, आपको पॉलिसीज का आइडिया नहीं, आपने बेतुकी सी पिक्चर्स लगा दी, बेतुकी सी आपने उसके ऊपर जो है अली एक्सप्रेस से सीधे ड्रॉप शिपिंग से आपने प्रोडक्ट्स उठा लिए, थर्ड क्लास। जो पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें आप लोग कॉपी प्रोडक्ट सेल करते थे, राइट। कॉपी प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं सीधे ड्रॉप शिपिंग से, आपको कॉपी प्रोडक्ट्स मिलते हैं अली एक्सप्रेस से, अली बाबा से, आप कम प्राइस में प्रोडक्ट उठाते हो और महंगा बेचते हो। अब वहां पर आपको नहीं पता चलता यार कॉपी या फेक है या ओरिजिनल है, हमेशा A1 क्वालिटी प्रोडक्ट हम लोग उठाते हैं। अब जो चाइनीज सप्लायर होते हैं वो कोई इतने डैश होते हैं, मैं आप क्या बताऊं उनके बारे में, जब आप उनको कम पैसे पे करते हो वो आपको थर्ड क्लास कॉपी देते हैं। अब मिसाल के तौर पे यार मेरे पास ये माउस पड़ा हुआ है, ये मेरा लैपटॉप का माउस है। अगर अब इस माउस की कीमत जो है, आप आम मार्केट में आप इसकी कॉपी भी ले सकते हो, ये ओरिजिनल कंपनी का भी ले सकते हो, इसकी जो कॉपी होगी एक एक वीक या 2 वीक चलेगी, जो ओरिजिनल होगा 3-4 महीने निकाल जाएगा। चाइना 2 नंबर प्रोडक्ट भी बनाता है, 1 नंबर भी बनाता है। तो जब भी आप लेते हो सीधे ड्रॉप शिपिंग से या ऐसी वेबसाइट से, आपको मल्टीपल सप्लायर्स वहां पर मिलते हैं, लेकिन ऐसे सप्लायर होते हैं जिनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं होता, जिनके पास कोई ऑथराइजेशन नहीं होती, जिनके पास कोई खास क्लियर पिक्चर नहीं होती, जिसके पास जो है खास सर्टिफिकेट नहीं होते, कॉपी कैट प्रोडक्ट्स होते हैं जिस तरह से। अच्छा, उसके अलावा जो जो क्वालिटी होती है वो थक्कड़ होती है बहुत ज्यादा। प्रोडक्ट कैटेगरी वायलेशन इज कॉमन नाउ डेज। आजकल तो भाई टिकटॉक ने सबकी ऐसी की तैसी कर दी है, बैंड बजा के रख दी है जितने भी सेलर से। तो मुझे पहले ही शक था ये जो टिकटॉक सेलर सेंट्रल है ये ज्यादा चलने नहीं वाला, क्योंकि ये चाइनीज लोगों ने खुद से ही इस वेबसाइट को जो है वो डिवेल्प किया है और चाइनीज लोग अपना ही माल सेल करेंगे यहाँ पर। अब ये फ्लॉप क्यों हुई है, टिकटॉक शॉप फ्लॉप की गई है किस वजह से, मल्टीपल लोगों ने इसके ऊपर इजिली अकाउंट्स बनाए हैं। अकाउंट्स बनाकर आप अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, मैं आपको बताऊं, तरीका बता देता हूं आपको लोगों ने किस तरह से अकाउंट्स बनाए। ये कंपनी हाउस एक यूके की वेबसाइट है, कंपनी हाउस, यहां पर चले जाओ।
ठीक है, यहां से आपको मिल जाता है डाटा, ठीक है, यहां से आपको किसी भी एलएलसी का, किसी भी एलटीडी का डाटा यहां से आप निकाल लो, ठीक है, इजीली आपको मिल जाएगा। आप क्या करोगे, उसके कंपनी की डिटेल्स और उसका जो कंपनी नंबर है, उसके डॉक्यूमेंट्स भी मिल जाते हैं आपको, वो डाउनलोड करते हैं लोग और जाके उसको टिकटॉक सेलर सेंट्रल पर सबमिट करवाते हैं, बन जाता है, इजीली बन जाता है। जितने भी लोग हैं, तकरीबन 20 से 30% लोगों ने इस तरह से किया है, तो उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसे काउंटरफिटेड प्रोडक्ट सेल किए जिस वजह से उनको वायलेशन लगी, उनकी बनिस्बत दूसरों को लगी, फिर उसकी बनिस्बत दूसरों को लगती गई सेम वायलेशन काउंटरफिटेड। अब ये ओपन कैसे होता है, अब सबसे पहले तो आप इस चीज को रीड कर लो, ये जिस बंदे ने भी टेक्स्ट लिखा हुआ है फेसबुक पे, मैंने कॉपी किया है, बहुत जबरदस्त लिखा हुआ है उसने, ठीक है, एंड दिस कम्स बिकॉज वी डोंट लिस्ट प्रोडक्ट इन अ करेक्ट कैटेगरी, मैनी सेलर्स आर रिसीविंग दैट वी हैव रिमूव डेट फ्रॉम मेनी अकाउंट्स, ठीक है, इफ यू वांट टू रिमूव दिस वायलेशन यू हैव टू रीइंस्टेट योर सक्सेस। रीइंस्टेट करने का फायदा नहीं है यार। अब देखो बात क्या है सारी, आपने कॉपी कैट प्रोडक्ट्स उठाए, आपने अनऑथराइज प्रोडक्ट्स उठाए तो आपने लगा दिए और उसके बाद आपको मसला पेश आ गया, ठीक है, और उसके बाद एक और ये मैंने नोट उठाया फेसबुक से, ये भी बहुत अच्छा लिखा हुआ, आपने इसको रीड कर लेना। खैर मैं अगर वीडियो में रीड करने बैठा तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोगों के लिए ये बेस्ट होगा जिसको आपने रीड कर लेना। अब आपने अकाउंट्स को रिकवर कैसे करवाना है, रिकवर करवाने के लिए जो टिकटॉक है वो खुद से यहाँ पर बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अब रिकवर करवाने के सिर्फ एक या दो तरीके हैं और कोई तरीका कार नहीं है। मैं आपको अपील्स लिखना भी सिखा दूंगा, मैं आपको ये भी बताऊंगा कौन से वाला अकाउंट रिकवर होगा कौन से वाला नहीं होगा, ठीक है। अब ये अकाउंट है जो कि इस तरह से लोगों ने डाटा उठाया कंपनी हाउस से, या उसके अलावा यूएसए की एलएलसी जो डिटेल्स है वो उठाई और जाकर अकाउंट बना दिया, ठीक है, बनाने के बाद जब वो वीपीएस के ऊपर वर्क कर रहे थे, वीपीएस वर्क करने के बाद भी उनको स्टिल जो सस्पेंशन है वो फेस करनी पड़ी है, क्रिटिकल वायलेशन लगी है भाई को। और यहाँ पर क्या बताया जा रहा है टिकटॉक की तरफ से, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ और आपको बताता हूँ, यहाँ पर वो कह रहा है टिकटॉक शॉप वर्क मतलब कि बहुत सारे लोगों ने क्रिएट की, लेकिन हमारे जो है रिटर्न हमें फेस करने पड़े, आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर जो प्रोडक्ट्स आपने लगाए हुए हमें रिफंड जो है वो फेस करने पड़े हैं, जिस वजह से आपका जो अकाउंट है वो बैन कर दिया गया। अगर आपको लगता है कि आपका अकाउंट जो है, अब ये ऊपर वाले लाइन पढ़ के सुना रहा हूँ मैं आपको, ये वाले, ये थोड़ा सा ना एक चीज के लिए माजरत यार, ये स्क्रीन शॉट है तो मैं यहाँ पर पढ़ के आपको सुना देता हूँ, अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो उसके लिए मैं माजरत करता हूँ, मैं आपको रीड करके सुना देता हूँ। सजेशन क्या है, वो बंदा कह रहा है, ये टिकटॉक सेलर सेंट्रल वाले कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है आपका अकाउंट एरर में बंद कर दिया गया तो आप क्या करो, हमें ट्रैकिंग डिटेल्स दो, ऑर्डर्स की डिटेल दो, स्प्रेड शीट ऑफ ऑर्डर ट्रैकिंग नंबर्स, ठीक है, और उसके अलावा हमें आप एक पासपोर्ट की पिक्चर भेजो, अपने वेयर हाउस के सामने खड़े होकर सप्लायर की इनवाइस दो, ऑथराइजेशन लेटर दो, ये सारी चीजें हमें दो अगर आपका अकाउंट एरर में बंद कर दिया गया है तो, अदरवाइज आपके अकाउंट के ओपनिंग के कोई चांसेस नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि टिकटॉक सेलर सेंट्रल पे जितना आपने काम किया आपने कर लिया, अभी आप किसी और मार्केट को एक्सप्लोर करो, ऑन बाय को एक्सप्लोर कर लो। टिकटॉक के ऊपर अगर आपका पैसा फंसा हुआ है, अगर तो वो इन अथेंटिसिटी में सस्पेंड हुआ है तो वो नहीं निकलेगा। अगर आपका प्रोडक्ट लीगल था, आपको पता है आपने वीआईपी काम किया, तो 90 डेज के बाद आप अपील कर सकते हो, आपके पैसे निकल आएंगे, लेकिन अकाउंट रिकवर नहीं होगा। अगर इन केस रिकवर हो भी जाता है तो पैसा इन्वेस्ट मत करना, मैं पहले बता रहा हूँ, मेरे पास जितने भी लोग थे उन्होंने जितना पैसा इन्वेस्ट किया, 90% लोगों के पैसे टिकटॉक पे अभी पड़े हैं, वैसे कि वैसे इन्वेंट्री जो है वो भी फजूल पड़ी है उनके पास। ये हुआ क्यों है, लोगों को जितने भी लोगों ने प्रोडक्ट बाय किया टिकटॉक से, मल्टीपल लोगों ने रिटर्न किए हैं, रिफंड किए हैं, जिस वजह से ये इशू क्रिएट हुआ। टिकटॉक वाली जितनी भी पूरी कंपनी है ना, इनसे संभाला नहीं गया, जैसे अमेजोन का एक बहुत बड़ा जिगरा है ना, टिकटॉक वालों का इतना बड़ा जिगरा नहीं है कि ये इतना बर्डन अपने ऊपर लें और बेयर करें। इन्होंने क्या किया, एक ही दिन में मल्टीपल लोगों के अकाउंट सस्पेंड करना शुरू कर दिए और उसके बाद आगे कोई चांस नहीं दिया कि कोई बंदा अपने पैसे निकलवा सके। तो अब आगे अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो टिकटॉक सेलर सेंट्रल पे, तो आप ही अपनी बर्बादी का खुद ही वो मतलब के कहते हैं ना, दोबारा से आप उसी राह पे चलने लग जाओगे। आप अगर कामयाब हो भी सकते हो तो टिकटॉक के ऊपर इतना खास नहीं है कोई मार्जिन, अगर आपने देखना भी है तो अमेजोन को पकड़ो, वॉलमार्ट को पकड़ो, या ऑन बाय को पकड़ो, या शॉपिफाई को पकड़ो। टिकटॉक शॉप अगर आपने करनी है लीस्ट अमाउंट से करो, लेकिन ज्यादा हैवी बजट पे ना जाओ, क्योंकि ये 3 4 महीने पहले इसका काफी जो है वो रुझान था, लेकिन इसके ऊपर लोगों ने काउंटरफिटेड प्रोडक्ट्स जो वो सेल करना स्टार्ट किए और उसके बाद जो है रिफंड और रिटर्न वगैरह क्लेम करने पड़े, तो टिकटॉक को अपनी जेब से पैसे देने पड़ गए।
जिस वजह से आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर देख सकते हो, मल्टीपल लोगों के आपको फीडबैक्स मिलेंगे वहां पर, लोगों ने क्या क्या फीडबैक्स दिए हैं, आप रीड कर लो, आपको आइडिया हो जाएगा कि क्यों सस्पेंड हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने रिकवर करना है ना अपना अकाउंट, तो उसका तरीका कार क्या है। अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हुआ है ट्रैकिंग की वजह से, या लो डिस्पैच रेट की वजह से सस्पेंड हुआ है, या ऑर्डर कैंसिलेशन की वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड हुआ है, काउंटरफिटेड की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पर, मैं यहाँ पर सिर्फ बात कर रहा हूँ इसकी लो डिस्पैच रेट की, या उसके अलावा ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन की, ठीक है। अगर इन तीनों या चारों केसों में से कोई एक वायलेशन लगी है तो आपका अकाउंट रिकवर हो सकता है। तरीका कार क्या है भाई, आपको थोड़ी सी इंग्लिश आनी चाहिए, आपको अपने केस को अंडरस्टैंड करना है कि वायलेशन कौन सी लगी है आपको। आपने किसी बंदे को पैसे देने की जरूरत नहीं है आपको, आपने चैट जीपीटी पे आना है, यहाँ पर आके आपने अपना जो वो प्लान ऑफ एक्शन है वो आपने बनाना है। प्लान ऑफ एक्शन बनाना मैं आपको सिखा देता हूँ। जो बंदा, अब दो चांस होते हैं प्लान ऑफ एक्शन सबमिट कराने के, दो बार आप सबमिट करवा सकते हो, उसके बाद आप फारिग हो। आपने जो तरीका मैं आपको बताऊंगा, इससे बेहतर तरीका आपने सोचना है कि मैं अपील कैसे लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको तरीकाकार बताता हूँ कैसे लिखा जाता है। आपने उस टोटली वेडिंग को चेंज करना है, और साथ में आपने जो फाइलें हैं वो लाजमी अटैच करनी है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, माई टिकटॉक सेलर अकाउंट हैज बीन सस्पेंडेड, एंड बस यहाँ पर आपने लिख देना, आगे कहना है इन केस ऑफ लो डिस्पैच रेट, लो डिस्पैच रेट, ठीक है। अब ये आपको, ये आपका जो सिनेरियो है उसको रीड करेगा, रीड करने के बाद अगला सिनेरियो क्या है हम लोग इससे अपील मांगेंगे। प्लीज सजेस्ट प्लान ऑफ अपील, ठीक है। अब ये हमें क्या करेगा, एक अपील सजेस्ट कर देगा, उस अपील को आपने मजीद इससे जो है ना वो वीआईपी लिखवाना है, ये वीआईपी करके आपको बनाकर दे देगा। अब नंबर वन पे क्या होता है, लो डिस्पैच रेट में हम लोग रूट कॉज लिखते हैं। रूट कॉज क्या है, किस वजह से लो डिस्पैच रेट आपको आया, आपको रीजन क्या थी उसकी, आपने फिर उसके करेक्टिव एक्शंस लिखने हैं, फिर आपने प्रिवेंटिव एक्शंस लिखने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ये प्लान ऑफ अपील देगा, मैं इसको अपने हिसाब से कन्वर्ट करूंगा। एग्जाम्पल ऑफ अपील, अभी ये अपील लिख कर दे रहा है मुझे, देखो। अब इसने देखो रीजन में इसने मेंशन किया है, देखो ड्यू टू लो डिस्पैच रेट, ठीक है। अब इसने बहुत छोटा सा लिखा है, मैं इसको बोलूंगा राइट इन अ प्रॉपर वे, फर्स्ट रूट कॉज, देन करेक्टिव एक्शंस, ठीक है जी, करेक्टिव एक्शंस देन प्रिवेंटिव एक्शंस। अच्छा ये मैं ना एक रैंडम सी बना रहा हूं, आप लोगों ने जो ये अपील आपको बना कर देगा ना, उसमें आपने इसमें एक्सप्रेशन ऐड करनी है, इसकी वर्डिंग को चेंज करना है, अपने टिकटॉक सेलर सेंट्रल की जो आपकी जो है सेलर आईडी है वो आपने प्रोवाइड करनी है, अपना टिकटॉक सेलर सेंट्रल का नेम आपने प्रोवाइड करना है, और उसके अलावा आपने साथ में पासपोर्ट यूटिलिटी बिल आपने लाजमी अटैच कर देना है, बैंक स्टेटमेंट लाजमी आपने अटैच कर देनी है। अगर ये चीज़ें आप नहीं अटैच करोगे, खाली अपील करोगे तो नहीं खुलेगा, मैं आपको पहले बता दूं, क्योंकि जो बंदा अपील कर रहा है उसको अपनी आइडेंटिटी के लिए साथ में बाकी चीज़ें देने की जरूरत भी पड़ेगी, ठीक है। अब ये जो अपील बनाएगा देखो, ये बिल्कुल परफेक्ट होगी, और ये मैं आपको साथ में इसमें ऐड कर दूंगा, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको ये मिल जाएगी, आप इसको रीड कर लो, इसके अकॉर्डिंगली आप इससे बनवा लो या आप खुद राइट कर लो, ठीक है। अब भाई अकाउंट को सस्पेंड हो चुके हैं, ओपन करना है आपने, उसके लिए चांस तो लेना पड़ेगा आपको। नंबर वन, आप दो चांस है, एक चांस लो, आप ट्राई करो, इंशाल्लाह खुल जाएगा। अगर नहीं खुलता तो भाई सोचो कैसे खुलेगा, क्या मिस्टेक हुई, उसके रिगार्डिंग फिर आपने दोबारा से प्लान बनाना है, और साथ में आपने डॉक्यूमेंट्स लाजमी अटैच करने हैं, इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा, ठीक है। बाकी कोई सवाल जवाब हो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। अल्लाह आप सबका अमीर नासिर हो।